मॉर्निंग भसीन साहब, एमएनएम तो कमाल करता हुआ दिख रहा है आपका, जबरदस्त एक्शन में है ही। हिंडाल को भी कल आपने शॉर्ट करने की राय दी थी, आज नीचे ही खुला है गैप से। बताएं सर एक बार पहले अपडेट। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो हिंडाल को आपको 470 में शॉर्ट किया था, 452 का टारगेट था, हो गया कवर करिए। आपको बाय दिया था कल आरबीएल और ठोक के कहा था 225 जाएगा, 221 बिक गया। जिसने 212 में लिया वो प्रॉफिट बुक कीजिए, आरबीएल इज हेडेड टू 240। और बैंक्स में सिलेक्टिवली बाइंग करना शुरू कीजिए, पर्टिकुलरली मिड कैप बैंक्स। आपको मैंने एमएनएम दिया था, वो देखिए कितना बढ़िया निकला है। और आपको मैंने जितने ऑटोज दिए थे सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स में मैं कॉशियस हूँ, और अगर रैली आए तो पहला एक मेरा सेल है, दो बाइज है, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। पहला एक सेल तो आपने कहा पहला एक सेल, तो सर पहला फिर सेल से शुरुआत कीजिए, बताएं सर। हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील बेचिए, 65 और 68 के बीच में 680 का स्टॉप लॉस है, 635 का टारगेट। और सामने लेने के लिए है सबसे दिग्गज नाम एचडीएफसी बैंक, 2 दिन में इसमें ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। और एचडीएफसी बैंक सबसे दिग्गज बैंक है जो लीड करेगा, नंबर स्ट्रांग थे। 1555-60 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1525, टारगेट ऑफ 1650। और विप्रो इज गोइंग टू बी अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट गेनर ऑफ आईटी स्पेंड, 656-57.50 में लीजिए, 642 का स्टॉप लॉस, 685 का टारगेट। ओके, तो ये है तीन स्टॉक जहां पर बिकवाली की राय है जेएसडब्ल्यू स्टील पे। लगातार मेटल शेयरों पर बिकवाली की राय भसीन साहब की तरफ से आई रही है। 665-668 की रेंज में बेचिए, 680 के स्टॉप लॉस के साथ, 635 का टारगेट। खरीदना है एचडीएफसी बैंक, एक 1555-1560 के आसपास खरीदिए, 1525 का स्टॉप लॉस, 1650 तक के बड़े टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में करनी है खरीदारी। और 656 के आसपास खरीदना है विप्रो, 642 का स्टॉप लॉस और 685 का टारगेट यहां पर भी बड़ा आता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका हमारे लिए।